हाय गाइस, वेलकम टू कुक विद श्रेया। एंड मैं आज फिर एक और अमेजिंग सी रेसिपी लेके आ गई हूँ। सो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी, वन ऑफ माय फेवरेट ओरियो मूस। यस, एंड इट्स वेरी 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 इजी टू मेक। और आई होप कि आप सबको ये रेसिपी पसंद आए, और अगर आए तो उसको प्लीज एक इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इंग्रेडिएंट्स इसके हैं 2 पैकेट्स ऑफ ओरियो, क्रश्ड ओरियोस, आप इसको क्रश कर लेना। देन आई हैव टेकन 4 स्पून्स ऑफ मिल्क। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 स्पून्स ऑफ ओरियो इसमें डाल देंगे। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क मिला लूँगी, जिससे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। यू कैन सी। और अब इसके अंदर हम अपना एक और स्पून डाल देंगे। एंड हमारा जो मिल्क है उसको हम धीरे धीरे करके हमें इसको मिक्स करना है। हमारा ओरियो का जो लेयर है, नीचे जो लेयर है, वो रेडी हो चुकी है। अब हमने ये कप्स लिए हैं, सो मैं 4 मूस कप्स बना रही हूँ। एंड अब मैं इसको नीचे इसकी पतली सी लेयर ऐसे ही हम अपने बाकी कप्स में भी लगा लें। ये मेरे 4 कप्स में मैंने ये ओरियो की एक लेयर लगा ली। अब आप इसको थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट्स के लिए आप इसको फ्रिज में। अभी मैंने लिया है 1 कप हमारी व्हिपिंग क्रीम। अब हम इसको व्हिप करेंगे। व्हिप्ड क्रीम इज ऑलमोस्ट डन। अब हम इसके अंदर जो हमारे पास ओरियो क्रश्ड ओरियोस पड़े हुए थे, रिमेनिंग ओरियोस हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। हमारे कप्स रेडी, मैंने फ्रिज से निकाल लिया ना। व्हिप क्रीम इज ऑल्सो रेडी, तो हम इसको भी अच्छी सी नाइस, गिव इट अ नाइस मिक्स। एंड इफ यू डोंट हैव दिस पाइपिंग बैग, यू कैन यूज एनी प्लास्टिक बैग फॉर दिस। सो दिस इज माय व्हिप क्रीम। नाउ वी हैव टू कवर ईच एंड एवरी लेयर विद दिस व्हिपिंग क्रीम। हमारे चारों कप्स जो है मैंने उसके अंदर व्हिप्ड क्रीम लगा दी है। अब हम इसको फ्रिज में थोड़ी देर और 5 मिनट्स के लिए सेट करेंगे। हम चॉकलेट गनाश की तैयारी करेंगे। सो चॉकलेट गनाश के लिए आपको चाहिए होगा 1 कप अमूल की क्रीम, जो हम ब्लू कार्टन में आती है, एंड ऑफ डार्क चॉकलेट। दीज आर 3 पीसेज। अब मैंने क्रीम को थोड़ी देर के लिए गर्म किया था। अब हम इसके अंदर अपनी डार्क चॉकलेट को डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे जब तक ये मेल्ट हो जाए। नाउ यू कैन सी दैट मेरी गनाश वो अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। और मैं ये गनाश को अपनी व्हिप्ड क्रीम के ऊपर पोर कर रही हूँ। अब आप इसके अंदर फॉर डेकोरेशन आप ओरियोज लगा सकते हो, और ओरियो और जस्ट हम स्प्रिंकल्स डालते हैं। As you can see, our mousse cups are ready. So guys, I hope कि आपको मेरी चॉकलेट ओरियो मूस की रेसिपी अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगी एंड आपने घर पे ट्राई की, सो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसी लगी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।